सर ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में 170 अरब रुपए का मनी बजट पेश किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो 170 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, इसकी बेसिक जो वजह थी वो ये थी कि जो हमारी IMF के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो ये एक IMF की शर्त थी कि अगर हमने IMF के पैकेज में जाना है तो उसके लिए हमें ये 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने थे, और इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा रह नहीं गया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टैक्स कलेक्शन में थोड़ी डाउनफॉल की तरफ ट्रेंड था, तो उसके लिए ये 170 अरब रुपए के हमें मज़ीद टैक्स लगाने पड़े। और इसके ऊपर हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि इतना मुश्किल फ़ैसला उन्होंने लिया है, 170 अरब रुपए लगाने से बहुत सारे, ये एक ऐसा आंसर है कि अवाम पे ऊपर एक बहुत बड़ा महंगाई का बम गिरेगा, लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ये मुश्किल फ़ैसला लिया, जिसके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। सर इंपोर्ट्स के ऊपर GST जो है 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, इसी तरह लग्जरी अशिया पर 25% कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो 17 से 18% जो GST किया गया है, मेरा ये ख्याल है कि कोई इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स को वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्करेज करें और मेड इन पाकिस्तान आइटम्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। और लग्जरी आइटम्स पर जो 17 से 25% किया गया है, उसका भी बेसिक मकसद ये है कि हम उन चीज़ों की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, और ये मेरा, मुझे ये लगता है कि एक राइट डायरेक्शन में हमारा सही फ़ैसला है कि वो आइटम्स जो इंपोर्ट हो रही हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके अगर उनके ऊपर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की जाए, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में की जा सके। सर ये जो टैक्सेस लग रहे हैं, इस पे हुकूमत की तरफ से आपको बुलाकर कोई इत्माद में लिया गया है, पार्लियामेंट की सतह पर या चैम्बर के साथ कोई इस पर बात हुई है? देखिए, ये अभी तो नहीं हुई हमारी कोई ऐसी, हमें बिल्कुल इत्माद में नहीं लिया गया, लेकिन ये है कि हमें अंदाज़ा था कि एक मिनी बजट आ रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर IMF की तरफ से काफ़ी दबाव था कि एक मिनी बजट पेश किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमसे बजट में प्रपोजल्स मांगे हैं, और ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और उन्होंने हमें इस चीज़ को यकीन दहानी भी कराई है कि जो हमारे खदशात हैं उनको वो बजट में दूर करेंगे। ठीक है सर, पेट्रोलियम कीमतों में भी सर इजाफा किया गया है, गैस कीमतों में भी इजाफा किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गैस और बिजली और जो पेट्रोल की कीमतें हैं, इसमें इजाफा काफ़ी तशवीश तलब मामला है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, जो गैस यूज़ करती है, उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो उनका जो पावर टैरिफ है, जो रीजनल पावर टैरिफ है, कि हमारे एक्सपोर्टर्स को भी बिजली और गैस उसी कीमत पर दस्तियाब हो जिस कीमत में इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को, वियतनाम के एक्सपोर्टर्स को है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा दोबारा सोचना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो इंटरनेशनल मंडी में बहुत महंगी हो जाएंगी। ठीक है सर, इन्हीं कीमतों में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए सर वज़ीर आज़म 1 से 2 दिन में फैसला करने जा रहे हैं कि काबीना जो है उनका मुफ्त पेट्रोल बिजली जो है वो ख़त्म की जाए, तनख्वाहों में जो है वो कमी की जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी अगर जो पेट्रोल की सहूलतें हैं उसको कम किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें एक पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे ये लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सब साहिब हैसियत हैं, इससे उनकी ज़ात के ऊपर कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सब लोग भी इसे खुश दिली से कबूल करेंगे।